क्या शैंक सच में लूफी को यूज कर रहा है? मुछी फेलो नकमास, कल्चर नकामा के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि क्या शैंक हीरो है या फिर विलन। एडिटर, रोल द इंट्रो। शैंक्स के बारे में जानने के लिए हमें पहले गॉड वैली के बारे में जानना पड़ेगा। गॉड वैली भी मेरिजोल एंड सबोडी आइलैंड जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स का रीजन हुआ करता था, एंड रॉक स्पाइडर वर्सेस गार्प एंड रॉजर वाले इंसिडेंट के वक्त शायद कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स का मौत भी हो जाता है, एंड उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स में से किसी का बच्चा शायद शैंक्स था। और उस इंसिडेंट के बाद रॉजर ऑर्फन शैंक्स को अपना क्रू में ले लेता है, और यही रीजन हो सकता है कि क्यों कोई शैंक्स का पूरा नाम नहीं जानता। बट सीबीसी वजह से फाइव गोरो से शैंक्स को मीट नहीं करते, उसके पीछे एक पूरा हिस्ट्री छिपा हुआ है। हमें ये तो पता है कि गोल्डी रॉजर्स राफ्टर लाइलैंड से रिटर्न आकर शैंक्स को अपना एस्ट्रॉयड दे देता है, बट अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि रॉजर ऐसा क्या बोलता है शैंक्स को कि शैंक्स रोने लगता है। रॉजर ने शायद से शैंक्स को ऑर्डर किया था कि रॉजर मेरिजोल में जाकर फाइव गोरोसेस पर अटैक करने वाला है, और ये न्यूज शैंक्स जाकर गोरोसेस के पास भेज दे उनके ट्रस्ट जीतने के लिए। और सिर्फ शैंक्स ऐसा कर सकता है क्योंकि लाइक डोफ्लामिंगो शैंक्स भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो इजिली मेरिजोल जा सकता है एंड गोरोसेस का ट्रस्ट जीत सकता है। और ये चीज रॉजर का सोर्ड एस मेरिजोल का गार्डन में क्यों था ये भी एक्सप्लेन करता है। कट टू लूफी एंड एस का चाइल्डहुड के टाइम, शैंक्स ने गोमू गोमू नोमी एक्चुअली में रॉजर्स का बेटा एस के लिए लाया था डॉन आइलैंड में, बट एक्सीडेंटली लूफी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। एंड तब शैंक्स को रियलाइज होता है कि रॉजर ने फ्यूचर में जिसका आने का बात किया था वो एक्चुअली एस नहीं बल्कि लूफी है, और इसी वजह से शैंक्स रॉजर के स्ट्रॉयड लूफी को दे देता है। अब आते हैं रिसेंट वायरल कवर पेज थ्योरी में। मोस्ट ऑफ द वन पीस फैंस को लगता है कि शैंक्स लूफी को धोखा देने वाला है जस्ट बिकॉज शैंक्स भी एक कवर में बाकी कैरेक्टर से दूर देख रहा है, जस्ट लाइक कंजूरो एंड ओप्पो। हाँ, शैंक्स भी धोखा देने वाला है, बट लूफी को नहीं बल्कि फाइव गोरोसेस को। अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी ऐसे थ्योरीज जानने के लिए।